हाँ जी, हमारे पास भी डायग्राम है बेटा। डायग्राम में सारा कुछ दिख रहा है। हॉरिजॉन्टली मेरे पास इसमें है वर्टिकली 2 और 6 टोटलिटी हो गए एक तरह से, ठीक है। तो इसमें हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी। तो यहाँ पर है मेरा ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, जैसे बनेगी यहाँ पे। तो जैसे बात बात सेंटर तो यहीं पे आ रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। फिर भी हम देख लेते हैं, मान लीजिए मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, हर एक एरिया यूनिट एरिया पे हमारे पास मास कितना बन रहा है, उसको मैंने के सिग्मा से अज्यूम कर लिया। अब हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल पोर्शन का टोटल मास, मास को हॉरिजॉन्टल पोर्शन, हॉरिजॉन्टल पोर्शन कितना आ गया, ये हमारा इसका मास निकाल रहे हैं। इसका मास निकाल रहे हैं तो 8 टाइम, अब हॉरिजॉन्टल में ये भी तो आता है, ये वाला हिस्सा, राइट, 8 ये वाला टाइम्स 2 सिग्मा कितना आ गया, 16 सिग्मा। तो मास ऑफ वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल पोर्शन का मास निकालते हैं। तो वर्टिकल में मेरे पास एक तो ये आ गया 6, ये वाला हिस्सा बेटा वर्टिकल का, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल का ये वाला हिस्सा आया। तो वर्टिकल में मेरे पास 6 और टाइम्स 2 कितना आ गया, 12 सिग्मा, राइट। अब जो मेरे पास सेंटर से ओवन एंड ऑफ है, ये एक दूसरे से के डिस्टेंसेस पे लाइक कर रहे हैं। यहाँ पर तो देखिए 2 मीटर बिल्कुल मीटर पे आ रहा है, 1-1 मीटर का मिडल में है, तो 1-1 मीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पर है, ठीक है। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं यहाँ से इसने 2 का डिस्टेंस ले लिया और 3 का, 2 प्लस 3 5 मीटर के डिस्टेंस है। तो यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 3 मीटर, 2 प्लस 3 5, ये भी मिडल में है ना, 2 प्लस 3, तो ओ ओरिजिन से एक ना, इसका तो 1 मीटर का आ गया, इसका 2 प्लस 3 5 मीटर का आ गया डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शर्ट डिक्लेयर क्या होगी, वाई पे लाइक करेगी, डिस्टेंस वाई, मान लो वो डिस्टेंस वाई है, यानी कि इसको हमने इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, इसको वाई अज्यूम कर लिया। कैसे निकालेंगे, m1 टाइम्स जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ओरिजिन से। अब हॉरिजॉन्टल का मेरे पास आ रहा है 16 टाइम्स, हॉरिजॉन्टल वाले में मेरे पास ओवन है, हॉरिजॉन्टल वाले में मेरे पास क्या है, ओवन, ओवन का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 मीटर का था, ओवन 16 सिग्मा, ठीक है। प्लस वर्टिकल का देखते हैं, हम पहला था वर्टिकल का, वर्टिकल में मेरे पास ओरिजिन ओ टू आता है, ओ टू जो है ओ से, देखो दोनों मिडिल में लाइक करे हैं ना ओरिजिन, तो O2 का ये तो पूरा 2 हो गया, ये वाला प्लस मिडिल पे लाइक करे तो 6 का आधा क्या हो गया, 3, 6 प्लस सॉरी 2 प्लस 3 5, तो 4, दोनों मासेस की एडिशन 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा, 16 सिग्मा प्लस 12 5 था 16 सिग्मा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 28 सिग्मा, ठीक है। तो 76 सिग्मा अपॉन 28 सिग्मा मेरे पास आंसर आ गया, सिग्मा के साथ सिग्मा कैंसिल, 76 अपॉन 28 अपॉन पास आ गया 2.71 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन आ गई, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ये 2.71 m से लाइन कर रहा है, ठीक है, इतने मीटर के डिस्टेंस पे ये लाइन कर रहा है। हाँ जी, मेरे पास एक राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है, उसका जो बेस है, ये तो सारा डायमीटर हो गया, इतना जो इसके पास है रेडियस है आर, बेस के लिए मेरे पास आर है रेडियस, और इसकी हाइट है टोटल एच, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पोजीशन से लेके यहाँ पर हमारा डी आ गया, यहाँ तक इसकी एच हाइट है, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करनी, वी हैव टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स
ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। किसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, रो आ गई डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर। अब यहाँ पर ओ को मैं के ओरिजिन लेके बैठी हूँ बेस पे, जो कोन है उसको अज्यूम किया जाता है कि ये बना है लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क से, ठीक है, सबके अलग अलग रेडियस है और सबके अलग अलग मास है, यानी कि डिस्क के ऊपर डिस्क रख के कि इसको ऐसे कोन की शेप दी गई है, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। तो एक एलिमेंट्री डिस्क हमने बीच में से उठा ली, ठीक है, जो कि हमारे पास ये बी और सी की पोजीशन पे पड़ी है, क्योंकि इसका डिफरेंट रेडियस है और डिफरेंट ही मास है। ये एलिमेंट्री डिस्क होगी, इसका रेडियस है मेरे पास यहाँ पर एक्स, बी टू सी हमारे पास रेडियस आ गया, और इसका मास क्या है, डी एम मास है, ठीक है, और ये क्या है, बेस से वाई हाइट पे है, बेस से ये कहाँ ऊपर है, वाई हाइट पे है, तो ए टू बी मेरे पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा, एच माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज हमने अभी याद रखनी है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, इसका सारा कुछ कैसे निकालना है, यहाँ पर ये मेरे पास है एक्स, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल बन रही है, सिमिलर ट्राइंगल बन रही है, एक तो बन रही है ट्राइंगल ए ओ डी, देखिए रही है ए ओ डी, दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ए बी सी, बड़ी सिंपल छोटे वाली ए ओ डी ये वाली, और ए टू ए बी सी ये वाली, ठीक है, ये आगे इन ट्राइंगल्स के बेसिस पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो ए ओ डी वाली है इसका बेस है आर, इसके ऊपर कौन सा बेस है, छोटी वाली का एक्स, दोनों के जो है बेस यानी कि रेडियस को जब डिवाइड करते हैं तो उसके रेडियस के सामने हमारे पास क्या आएगा, हाइट आएगी, जो बड़े वाला है हमारे पास उसकी हाइट क्या है, छोटे वाले की हाइट क्या आ जाएगी, वाई नहीं आएगी, इसकी उल्टा आएगी, ऊपर की तरफ अगर देखेंगे एच माइनस वाई आ जाएगी, तो यहाँ से मैंने एक्स निकाल लिया, एक्स मेरे पास आ जाएगा आर टाइम्स एच माइनस वाई अपॉन एच। अब निकालते हैं मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, एलिमेंट्री यानी कि छोटी वाली जो डिस्क है उसका मास निकालते हैं, दैट इज डी एम, डी एम मेरे पास है वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, इसलिए मैंने डेंसिटी ली थी यहाँ पे रो, वॉल्यूम कितनी है भाई कौन की, सॉरी ट्राइंगल की, पाई एक्स टाइम्स जो हमारे पास हाइट आई है उसका पार्शियल ले लो, ठीक है, दैट इज डी वाई, कितनी ऊपर है टाइम रो, तो पाई भी नहीं चेंज होगा, रो भी नहीं चेंज होगा, ये अलग डाल दी, अलग एक्स की वैल्यू निकाल दी, आर एच माइनस वाई अपॉन एच टाइम्स डी वाई मेरे पास हो गया था। अगर मेरे पास स्मॉल मास है तो स्मॉल डिस्टेंस भी है साथ में, अब क्या करेंगे, तो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के एक्स सी एम लिख लो, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों निकालेंगे, एक्स सी एम की क्या आएंगे, वन अपॉन एम का हमने क्या ले लिया, एक्स डी एम ले लेंगे, एक्स तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, सारे के जब निकालेंगे एक्स जीरो है तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा, एक्स तो मेरे पास है ही जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट तो कोई निकाले नहीं है, आपने यहाँ पे देख रहे हैं ना एलिमेंट्री डिस्क कर रहे हैं हम, तो ये तो जीरो है इसका, वाई का देखते हैं, एक्स रेडियस वाला नहीं है ये ध्यान रखना, वाई जो मेरे पास एक्सिस है उससे देखते हैं, वाई एक्सिस से मेरे पास निकल के आएगा अपॉन एम वाई डी एम, अब डी एम मेरे पास क्या है बेटे, डी एम की वैल्यू ये लिख दें, वाई टाइम पाई रो आर एच माइनस पाई अपॉन एच डी वाई आ गया। अब जिसमें से जो जो चीजें कांस्टेंट निकालने वाली है भाई निकाल लो, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर एक्सेस क्या था ना, ये मेरे माइंड में किससे निकल गया, यहाँ पर एक्स क्या था, सारे के सारे चीजों के स्क्वायर आ जाएगा,
देखिए बेटा, हमारे पास जो है पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या था, वन अपॉन है, ये एम तो नीचे है ही। अब जो हाइट है ये तो चेंज नहीं होगी, एच एस किया तो निकल जाएगा। आर है रेडियस, ये भी नहीं चेंज होने वाला। पीछे क्या बचा, वाई, एच माइनस वाई की होल स्क्वायर टाइम्स जी वन। ठीक है, ये सारी कॉन्स्टेंट चीजें हमने बाहर निकाल ली। अंदर ये चीजें हैं, इनकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। अब अगर देखा जाए एच माइनस वाई को हम क्या कर, देख सकते हैं, बोल दे पाई रो आर स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर। एच माइनस वाई का हम निकाल देंगे एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एच वाई डी वाई। डी वाली कॉन्स्टेंट वाली चीज मैं बार बार लिखूंगी, जैसे तो इंटीग्रेशन वाली लिखूंगी। ठीक है, तो देखिए जब इसको प्रॉपरली खोल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस टू एच वाई स्क्वायर टाइम्स, सबका क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। तो अकेले के लिए इंटीग्रेशन निकालेंगे, 0 to h इसकी लिमिट लेंगे बेटा, 0 to h सारी लिमिट आएगी। जब हम सबके इंटीग्रेशन करेंगे, एच स्क्वायर वाई, एच स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट ही है, वाई की इंटीग्रेशन है, वाई की इंटीग्रेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन टू, 0 to h प्लस वाई क्यूब की वाई फोर, सॉरी यहाँ पे माइनस आई, वाई फोर अपॉन फोर, 0 to h, फिर 2h वाई स्क्वायर की अगेन इंटीग्रेशन, वाई क्यूब अपॉन 3, 0 to h। वैल्यूज फिल कर दोगे मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई रो आर स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर टाइम। देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, एच स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर, एच फोर अपॉन 2। तो जब आप खुद सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा एच फोर अपॉन फोर तो मेरे पास एज इट इज है, क्योंकि माइनस जीरो हो जाएगा वो तो माइनस जीरो ही है। फिर एच क्यूब अपॉन थ्री, या ऐसे ही एच क्यूब अपॉन थ्री माइनस जीरो, जीरो तो लेना ही नहीं है। एच क्यूब टाइम्स हमारे पास 2h पड़ा है, एच क्यूब टाइम्स एच, एच फोर साथ में क्या 2h माइनस 2h फोर अपॉन थ्री। यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, माइनस क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा सब जगह। ठीक है, तो ये चीज आ गई, इनको पहले आपस में आप सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके सारा सॉल्व करोगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक देती हूँ मैं, पेन चेंज कर देती हूँ, दिख जाएगा फिर। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर है पाई रो आर स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर टाइम एच फोर अपॉन टेन, इतना आ जाएगा। ठीक है, जो मास होता है कोन का, जो हमारे पास एग्रीगेट मास होता है वो कितना होता है, डिस्क की, डिस्क का भी अगर लें, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रो। ये टर्म्स मैथमेटिकल टर्म्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू एच स्क्वायर टाइम्स एच फोर अपॉन टेन। अब देखिए यहाँ पर पाई के साथ पाई कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब हो गया, ये इसके साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 है ये 3 ऊपर जाएगा 3/4, तो पीछे क्या बचा एच अपॉन फोर आपके पास आएगा, सिर्फ इतना। ठीक है, और अगर जेड का निकालना चाहो, जेड सीएम में बेटा यहाँ पर जेड एक्सिस है ही नहीं कहीं पे, कहीं पे जो है जीरो, जेड ही नहीं है जब, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे बेटा कि एक्स वाई जेड की है, एक्स 0 है, वाई कितना आ गया एच अपॉन फोर, जेड 0, ये मेरे पास आंसर आ गया कोऑर्डिनेट्स का। तो कुछ जो प्रॉब्लम्स है इस तरह से टिपिकल होंगी, कुछ जो पहले ही करवाई थी उसके जैसे इजी भी होंगे।